आयशा के बारे में एक इनकी बड़े मज़े का चार्ट है इनका भी, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है स्टार्स का चार्ट पढ़ने में स्पेशली. तो इनका चार्ट बड़ा कोई प्लेजेंट किस्म का एनर्जी है इनके चार्ट के अंदर, जो प्लेजेंटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस चार्मिंग और ब्यूटीफुल तो आप जैसे के हैं ही. तालियां इस बात पे यार, ये तो अच्छा. The good thing is that उनको time of birth मेरा exact पता चल गया ना, क्योंकि आंटी हैं. क्योंकि अम्मी, वैसे मुझे भी पता है वास्ट है many times. क्या है time of birth? दिन में है, रात? 12 noon. दोपहर. 12 noon. Yeah. Oh yeah. जैसे sun बिल्कुल center. बिल्कुल center में था, ऐसे ही इनके chart में इनका sun जो है वो बिल्कुल center में. 12 noon Monday morning. सो स्टार्ट करते हैं आपके चार्ट से. मैंने बताया कि आपके चार्ट में बड़ी प्लेजेंट किस्म की एनर्जी है, मगर एक एनर्जी जो मुझे नज़र आती है, एक कॉमन थीम है आपकी लाइफ की, वो है फ्लर्टियसनेस. लाइक आप कैजुअली, आप यू इधर आपको फेस करना पड़ता है फ्लर्ट, या आप, मैं फ्लर्ट करती हूँ या दूसरे लोग? दूसरे लोग आपसे बड़े स्पेशली फ्लर्ट करते हैं, लाइक यू आर वेरी प्रोन टू दैट. दूसरे लोग मुझसे फ्लर्ट नहीं, लेकिन हमने एस्टैब्लिश कर दिया अगर आप भी फ्लर्ट बैक करती हैं तो उसमें क्या बुरा है? नहीं नहीं, बुरा नहीं है, बट शी इज सेइंग समथिंग एल्स. यस यस यस. सो शी हैज टू फेस अ लॉट ऑफ फ्लर्टनेस. बट इफ पीपल आर फ्लर्टिंग विद यू, यू मस्ट आल्सो बी फ्लर्टिंग बैक विद सो मेनी पीपल. नहीं, उससे मजे की स्टोरी मैं बताती हूं. मजे की स्टोरी ये है कि ये फ्लर्ट बैक करती है नॉर्मली, लाइक ये हाँ रिस्पॉन्ड कर रही होती है, रेसिप्रोकेट कर रही होती है, लेकिन अगला बंदा घर जाके स्टोरी बना लेता है कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली सेट हो गई. और जब दूसरे दिन गुड मॉर्निंग एंड आई मिस यू के मैसेज आते हैं तो आयशा इज लाइक, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? या तो इसीलिए आपने उस दिन मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया. ठीक है, ओके. तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज गुड मॉर्निंग के मैसेजेस इनको नहीं करें, क्योंकि इनका स्टाइल ऑफ अटैचमेंट जो है वो बड़ा कोई डिटैच्ड किस्म का है. अब हो गया, मतलब यस, बाय टाइम शी हैज लर्नड के इनको आप चिपक नहीं सकते जाके. आंख ओझल, पहाड़ ओझल. हाँ हाँ, आप चिपके मत, मुझसे चिपके मत. वो आपने अंग्रेजी में बड़ा इंटरेस्टिंग बोला था. क्या बोला था अभी जब मैंने बोला कि चिपकू ना हो, आपने बोला पता नहीं कोई अंग्रेजी का आपने, मैंने क्या, आपने पता नहीं कौन सी वो बोली थी, क्लिंगी ना हो. नहीं नहीं, कोई क्लिंगी तो नहीं, आपने कोई बड़ा एक उसका पजेसिव. नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, अच्छा भूल गए, वो देख ले होंगे, लोगों ने देख लिया होगा, वो पीछे स्किप करके देख लेंगे. ठीक, तो आपको बिल्कुल भी क्लिंगीनेस नहीं पसंद है, लेकिन आपके चार्ट में रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. आपकी लाइफ में जितनी भी लर्निंग आई है वो थ्रू रिलेशनशिप्स आई हैं, और इनकी लाइफ एक टोटल हर वक्त ही अपने ऊपर काम करती रहती है. अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले अगर आप कि कोई दोस्त थे या आपके जो फ्रेंड्स थे, अगर वो अभी आपसे मिलेंगे तो वो आपको शायद रिकॉग्नाइज नहीं करें. आई एम अ डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल, और इनका कांस्टेंट अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं. अच्छा, वाह वाह वाह. अच्छा, ये बताएं, जो लोग आयशा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये भी पता है कि आयशा ट्रैवल भी बहुत करती हैं. बिल्कुल, आयशा पार्टी भी बहुत करती हैं. शी अ पार्टी एनिमल? शी इज अ सोशल बटरफ्लाई, हम कह सकते हैं. शी लाइक्स टू सोशलाइज, इनको बड़ा मजा आता है सोशल होने में, पार्टी करने में, प्लस जो ये खर्चा करती होंगी ये ट्रैवल पे ही खर्चा करती हैं. सारा पैसा ट्रैवलिंग पे खर्च. तो ट्रैवलिंग ऐसे ही है, बिल्कुल नीड है इनकी, नीड है बिल्कुल. तो जितनी जैसे ही इनकी लाइफ बोरिंग होनी शुरू होगी, चीजें निकलती हैं, धुलने वाले कपड़े निकलते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, फिर वो और आती जाती है. वाह वाह. आयशा के अंदर एक और चीज है कि बड़ी ह्यूमरस है इंसान, लाइक पार्टी के अंदर अगर या किसी दोस्तों के साथ जब बैठती है सबसे ज्यादा. बिल्कुल, महफिल की जान है. All my friends say that I'm just like full of the energy, life of the party. Full of yes. मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ. बिल्कुल. आयशा को frustration होती है stupid लोगों के around. इसीलिए आज वो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है. मुझे very nice. अच्छा नहीं, stupidity as in कि कोई अनजान इंसान हो या जानते बूझते कोई अगर act smart कर रहा है. yes. आपको पता है कि उनसे क्यों पूछनी है, आपको तो पता होगा. yeah, I want to know what my yes. thing says. तो stupid लोगों के साथ थोड़ा सा इनका ये होगा, या तो बिल्कुल zero, बिल्कुल attention ही नहीं देंगी. लेकिन अगर इनके कोई friend हैं जो कि smart हैं, लेकिन वो जान के नहीं सोच रहे. हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, इफ यू मेड इट टू आयशास फोन बुक देन यू आर स्मार्ट. नो, आई नो अ लॉट ऑफ, आई मायसेल्फ एम वेरी स्टूपिड.
मैं खुद एक इस बात पे क्या तबसरा करना चाहूंगी, आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि ये सेल्फ क्रिटिकल है इसलिए वो ये बात कह रही हैं। अरे वाह, ये हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज करती हैं और हर वक्त इनको ये होता है मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, इससे बेहतर कर सकती हूँ, इससे बेहतर कर सकती हूँ। मैं क्रिटिकल, अब सेल्फ क्रिटिसिज्म कम किया है मैंने, मैं अपने आप से अब प्यार से बात करने की कोशिश करती हूं। मैं अपने आप को एक तो व्हाई वर यू सो टफ ऑन योरसेल्फ पहले, वही आई थिंक माय लाइफ ट्रामा पीटीएसडी, यू नो ओवर अचीवर, जस्ट ऑलवेज परफेक्शन और हर चीज सही करनी है। तो आई थिंक अब आके पिछले 3-4 सालों में मैंने बड़ा आई हैव चेंज्ड दैट, आई ट्रीट माय सेल्फ एज माय फ्रेंड। तो प्लस आप रिसर्च बहुत करती हैं चीज़ों पे, बड़ी डेप्थ में जाके चीज़ों के बारे में मालूम है, लास्ट क्या रिसर्च कर रही हैं हर चीज़, एवरीथिंग, ट्रॉमा, साइकोलॉजी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, यू नेम इट। मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, मैं स्टूपिड चीज़ें कम सुनती हूँ अब, लाइक फ्रिवलेस मीनिंगलेस स्टफ। मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे रिसर्च करनी होती है, मुझे इंफॉर्मेशन गेन करनी है, चाहे वो historical or geographical or anything, I just want knowledge. जो आयशा के सर्कल के बाहर के लोग हैं, she is not very approachable to them. ये थोड़ा intimidate करती हैं अपने बिल्कुल सही बात है साथ के लोगों को, like अगर उन जान के stay away bro. ये मैंने आपसे पूछा था कॉलेज में भी, जब आप कॉलेज जीन्स कर चुकी थी तब नहीं थी कॉलेज में, मैं बिल्कुल inapproachable नहीं थी। अच्छा, I am a very social easy going person. लोग intimidate हो जाते होंगे ना खुद से? Boys, especially boys, क्योंकि इनका एक कोई competition की एक spirit है इनके अंदर जो कि मर्दों को tough time देती है, ये being in competition. But हमने बात की थी हमने cheating की थी थोड़ी सी makeup room में, हम बात कर रहे थे and she said कि वो इतने सारे boys आपसे flirt करते हैं और इतने सारे लोग आपको attention दे रहे होते हैं, तो it is a need of the hour. मैं जान के लोगों को डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करती हूं। तो फिर एक बात बताएं, आप कैसे पिक कहीं पे अगर करना पड़ जाए आपको कि यार के चलो ठीक है दिस वन सीम्स ओके आज चलो तो कर, तो वो कैसे, वो क्या कैसे आप गेज करती हैं फिर? वो मेरा एक है सेंसर, रडार एक चल रहा है, एक मेरा सेंसर है द एनर्जी, आई वर्क विद एनर्जी नाउ, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दैट पर्सन इज गिविंग आउट। ठीक है, मुझे अब एंक्शियस एनर्जी वाले लोग जो है ना वो कम, दैट्स व्हाट यू सेड, एंग्शियस समथिंग, एंग्शियस अटैचमेंट, एंग्शियस अटैचमेंट। ये चिपकू के लिए आयशा ने नया वर्ड निकाला भाई, एंग्शियस अटैचमेंट, डेस्पिरेशन, डेस्पिरेशन, एंग्जायटी। कहाँ कहाँ किधर गई हो भाई, नजर नहीं आ रही। लोग भी, फ्रेंड्स भी, जो आई वुड से जिनके अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, यू नो, क्योंकि मेरे अंदर भी था And I walked away from it. Yes. So I don't want that a part of my life anymore. तो इनके चार्ट में एयर बहुत ज़्यादा है, तो एयर को आप किसी बॉक्स के अंदर कंटेन नहीं कर सकते, जैसे इनको, बल्कि इनको ओपन स्पेस भी पसंद है, like open space. मुझे बाहर रहना अच्छा लगता है, don't put me in a room. अच्छा, आउटसाइड। आयशा की शादी के हवाले से कुछ है इनके सितारों में? बिल्कुल, दिस ईयर आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट बनेगा, व्हिच इज 2024, यस यस यस, एंड मिड ऑफ 2024 आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट बनेगा। इतने सारे दिल टूटने की आवाज आ रही है, मुझे हर साल ये लोग कहते हैं कि इस साल के अंत में मेरी शादी हो जाए। आयशा, आपका आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सुन लो असल, मैं क्यों सुनूं? You said you have a crush on me. Yeah, I have a crush on you, but अच्छा, be smart with that ना, फिर मतलब अच्छा crush है, he doesn't want it to go any further than a crush. Oh, वो intimidate हो गया। हाँ, मैं हो गया हूँ अभी से, डर गया हूँ। अच्छा, बड़ी spontaneous हैं आप, कभी कभी बैठे बैठे डिसाइड करती हैं चीजें और उसके बाद उस पे एक्ट करती हैं कि बस ये करना है और फौरन से वो हो जाता है। अग्रेसिवनेस हम कहेंगे कि आपकी पहले जो अग्रेसिवनेस थी वो अब असर्टिवनेस में चेंज हो गई है, क्योंकि पहले आप में बहुत गुस्सा था कि मतलब क्यों वायलेशन हो रही है कोई, तो एज अ चाइल्ड क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर थे तो मुझे स्पेशली आदमियों से, बिकॉज मैं इतनी बुरे बुरे सिचुएशंस में थी ग्रोइंग अप and especially in this industry, तो मुझे एक तो वैसे भी ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में बहुत गुस्सा चढ़ा रहता है और एंग्जाइटी होती है थैंक्स टू द मैन अराउंड अस, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको कॉन्स्टेंटली हरासमेंट और कॉन्स्टेंटली गंदी एनर्जी सामने आ रही होती है आपके, तो आपको तो चढ़ता है गुस्सा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। सो आई थिंक इट वॉज मोर डायरेक्टेड, इट वॉज मोर कमिंग फ्राम द मैन, राइट? एंड नाउ बिकॉज आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन हु आई एम
और बिकॉज मुझे अपनी बाउंड्रीज अब फॉर्म करनी आ गई हैं, तो वो मेरे अंदर एक ठहराव आ गया. वाह, ठहराव बहुत जरूरी है. ठीक है सुमेरा, अच्छा कुछ और आप मजीद हमें बताना चाहती हैं? इनके अभी तक कमिट ना करने की वजह ये भी है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करती रहती हैं, तो इनकी बड़ी टेंडेंसी है कि ये अपने पार्टनर को भी आउटग्रो कर जाएं. इन हर आगे निकल जाएंगी. बिल्कुल, ये उनसे भी आगे निकल जाएंगी और ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी बहुत पीछे रह गए होंगे अब ये जिस तरीके से आगे. हाँ, ये तो है. आगे ही आगे. And I seek out people जो evolve कर रहे हैं और जो evolved हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल के उनसे. So I keep making new friends. जब मैं इसीलिए मैं travel करना मुझे बहुत पसंद है, because I like to make friends. Pakistani men are not evolving. Pakistani men are evolving at a very slow pace. और regress कर रहे हैं बल्कि ज़्यादातर आदमी. या तो फियर्स की हमने बात की, आपने बताया कि आपके फियर्स हैं. आई थिंक आपने अब तक उस पे बहुत सारा फिजिकल फियर्स हैं. फिजिकल फियर्स भी बहुत ज्यादा हैं. सेफ्टी, सेफ्टी से रिलेटेड प्लस आई डोंट फील सेफ. यस आई फील सेफर नाउ मोर, बट पाकिस्तान में मैं सेफ नहीं फील करती हूं. ये बहुत सैड बात है. अनफॉर्चूनेटली जैसे आप प्लेन में बैठती हैं. फॉर्चुनेटली चलो मेरे मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ. मैं जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकलती हूँ मैं सुकून में आ जाती हूँ. मैं जैसे ही यहाँ लैंड करती हूँ मेरा डर शुरू हो जाता है. अब वजह है आपकी, हर मिनट आपको डर है अपनी सेफ्टी का. मग ना हो जाए, रेप ना हो जाए, किडनेप ना हो जाए, कोई कुछ कर ना दे. और वो डर एक तो हमारे पेरेंट्स ने भी डाले होते हैं बचपन से लड़कियों के अंदर, तो डाले हुए होते हैं ना, क्योंकि वो बड़े बजा डर हैं. सो या स्पेशली फॉर मी, आई लिव अलोन, आई वर्क अलोन, आई ऑपरेट अलोन. आई हैव हैड अ वेरी फेयरफुल Yes. Life. So that's pretty much it. I think अभी recently एक last मैं कहना चाहूँगी, आपकी life में बहुत ज़्यादा changes आए हैं 2019 से लेके अभी तक. आयशा बिल्कुल totally transform हो रही है अंदर. हाँ. inside out she's yeah. totally totally changing. मतलब कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं are you okay? What's wrong with you? I was like no, now things are right with me. Yes, yes. Yeah, wow. यही एक ज़रूरी चीज़ है, इंसान को अपने आप को डिस्कवर करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए अपने आप को, खुद को तब्दील करते रहना. आई थिंक यही रीज़न था कि मैंने डिसाइड किया पिछले 2-3 सालों में, सिंस आई बीन सिंगल आफ्टर माय लास्ट रिलेशनशिप, कि मुझे नहीं किसी के साथ होना अभी. मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है. मुझे अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को हील करना है. बिकॉज जब आप किसी के साथ होते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट इवॉल्विंग, तो आप स्टैगनेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मैच द अदर पर्सन एनर्जी, उन्हीं की चीज़ें आपने. और आप जब अकेले होते हैं ना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ऑल अबाउट. वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच सुमेरा, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट. और आयशा उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा. Yes, आपको पसंद आया होगा. ख्वातीन रात, वक्त आ जाता है एक और ब्रेक का, लेकिन अभी शो बाकी है. ब्रेक से जब वापस आएंगे आयशा के साथ और मजे मजे के सेगमेंट्स खेलेंगे. कहीं जाइएगा, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक.